ना तुम चलो चलो भाई निकलना तुरंत लपटे निकल ली चलो भाई चलो तुरंत वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एआर रहमान सफ़ी और आज समय लखनऊ के डालीगंज की कब्रिस्तान वाली रोड पर दूदड़ बस्ती में भयानक आग लग गई है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से आग की भयानक लपटें निकल रही हैं। इससे जाहिर होता है कि आग का गुबार कितना खतरनाक हो सकता है। हालाँकि अभी जान और माल जाने का नुकसान कितना हुआ है कितना नहीं हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। आपको बता दें मौके पर मौजूद चार गाड़ियां अब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं अब तक इस आग पर काबू नहीं कर सकी हैं और अभी और कितनी गाड़ियां इस आग को बुझाने के लिए लगेंगी और इसमें कितना समय लगेगा अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। बहरहाल हम लगातार लगे हुए हैं और हमारी लगातार जो है नज़रें इसके ऊपर हैं। आप देख सकते हैं कि टीम के ऊपर किस तरह से राहत बचाव की टीम यानी लोकल के जो लोग हैं लोकल की जो पुलिस है हसनगंज थाने के जो मौजूद सिपाही हैं वो लोग भी लगातार लगे हुए हैं। पूरी कोशिश पूरा प्रयास चल रहा है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अब देखिए किस तरह से लोग राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। लगातार लोग लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम सभीपुर। अच्छा ये आग कितने बजे लगी हो भैया? ये तो अरे सर ये अभी 1 बजे लगी है, पता नहीं सही से बता नहीं सक रहे भैया। अच्छा कई बजे लगा है मगर ये सुना है आग लगा तो नींद हराम करके जाके आग लगा। नहीं अभी देखा गया था कि आप किस प्रकार आग बुझाने में लगे हुए थे, काफी मेहनत कर रहे थे। आग तो सभी पानी से बुझा रहा था जी। तो ये आग का कारण कोई है क्या है, कैसे लगी थी ये भी तो नहीं बता सकते भैया कैसे लगा है, ये भी तो देखा नहीं हमने, बता रहा कि देखा ही नहीं तो कैसे बताएंगे। बिजली का तार से शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट होकर लगी है। खाली ये सुना है जब ये आग लगा है, कैसे लगा है ये भी नहीं पता। मोहित नाम है मेरा। अच्छा आधा जितना यहाँ का आदमी है सब पटरी लंग है आधा पूरा और बाकी जितना लोग है डर बना के अपना जान बचा के उधर आया। अब कैसे लापरवाही से आग लग गई इसके विषय में कोई जानता नहीं। सारी दुकानें हैं ना यहाँ पे? हाँ यहाँ पे सारी दुकानें हैं, कबाड़ वबाड़ का भंडार है, ऐसी की है सबका है कहा है, बकायदा भीड़ बक्कर भी पड़ा हुआ है, चार चार पांच पांच गाड़ियाँ भी फायर भी आ चुकी है, पानी खत्म करके चली जा चुकी है, इसका कोई सहयोग नहीं मिल पाया अभी तक, आग नहीं बुझ पाई। लगातार आ रही है गाड़ी बुझने की प्रयास में लगे हुए हैं, इस आइडिया काफी है। अच्छा आग लगने की कितनी देर के बाद फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ आई है? वैसे तो लगभग मान के देख ली जाए तो अपने तरफ से बहुत कोशिश की गई है, बहुत लोग कोशिश किए हैं, हर दो दो पाँच पाँच मिनट में गाड़ी आ जाती है, दस मिनट लगभग ले रही है टाइम। वैसे भी जितने भी देखा जाए कोशिश किया जाए तो गाड़ी चली आ रही है तेजी से। रात का तकरीबन 2:30 बजा हुआ है और इसी के इस बीती रात में आग की लपटें आपके सामने हैं। जिस प्रकार से आग की लपटें निकल रही हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज इस आग पे काबू पाने के लिए थोड़ा अभी समय और लगेगा। देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार सीधे दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि किस तरह से माल का जो नुकसान है वो हो रहा है। जरा से ये जो बस्ती आप देख रहे हैं ये उदय ये गूदड़ बस्ती के नाम से जानी जाती है। ये गूदड़ बस्ती का पूरा एरिया है, यहाँ पे दरअसल सेकेंड हैंड जो सामान होता है, जैसे अगर हम आपकी बात करें
तो मशीनरी का काम होता है यहाँ पे, एसी वगैरह है, और यहाँ पे प्लास्टिक का लोहे लंगड़ का है, जिस तरह से कपड़िया मंडी में जिस तरह से सामान रखा जाता है, उस सामान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक लपटें निकल रही हैं। हालांकि राहत कार्य जो कर रहे हैं उस पर लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लोकल पुलिस भी पूरी तरह से अपने कर्तव्य निभाते हुए लगातार इस पर आग काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और मेहनत कर रही है। लेकिन आप इस आग की लपटों को देख लीजिए, और जो लोकल के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि इन सामान को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो और आग पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। अच्छा, एक बात और बताते हैं, लोकल के जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी पूरी तरह से मेहनत करने में लगे हुए हैं और इस आग को काबू पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, खबर दरअसल अब ये है कि आग पे लगभग 1.5 से 2 घंटों के अंदर आग पे काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि 5 ब्रिगेड की गाड़ियां, ये जो कम से कम 10 गाड़ियां यहाँ पे आई हैं, तभी ये मुमकिन हो सका है, और लगातार इस पे प्रयास किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पे किस तरह से काबू पाया जा सके। लोकल जो पुलिस है वो लगातार लगी हुई है, प्रयास कर रही है, पूरी मेहनत से लगी हुई है, और जो लोग लोकल के जो लोग हैं, आपने देखा होगा किस तरह से लोग बाल्टी हो या चाहे कोई तसला हो, जिस तरह से भी लोग आग बुझाने की पूरी जो कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है। उस तरह से अभी ये जायजा भी लिया जा रहा है कितना नुकसान हुआ है, या हाल में बाद में ही पता लगेगा कि कितना उनका नुकसान हुआ है, जाके भारी जो प्लास्टिक के होने की वजह से यहाँ पे आग जो है फैलने का बेकाबू आग हो गई थी। आपने देखा था कि किस तरह से आग की लपटें निकल रही थी। मेरे सामने देखिए एक टुकड़ा हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। ये दरअसल प्लास्टिक का है, और ये वॉशिंग मशीन, अगर आप ठीक से इसको आप देखेंगे तो ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल करके हाल हो गया है, और भी तमाम चीज़ों को निकाला जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि और इससे ज़्यादा आग ना फैले। इसके लिए राहत बचाव कार्य चल रहा है, लोग अपनी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं ताकि इस आग पे काबू पाया जा सके। लोकल के जो लोग हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, और राहत बचाव कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब हमारे साथ तस्वीरों में बने रही है, हम आपको लगातार पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। Thank you.